की बात करने जा रहे हैं, किसकी मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी बोले तो हम इसको जो डिनोट करते हैं वो कुछ इस तरह से करते हैं, लैम्डा एम से। किससे करवाते हैं बच्चों? लैम्डा एम से। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कुछ नया टर्म है, ठीक है ना, ये आप लोग पहला बार देख रहे हैं इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसलिए ये मत सोचना कि सर समझ नहीं आ रहा है, जो समझ में ना है वो पूछिएगा और बाकी हम लोग क्वेश्चन से भी डील करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर बच्चों पहले मैं डिफाइन कर देता हूं आप लोगों को, ठीक है, कि कंडक्टेंस एक मिनट, ये ना तो लैम्डा वैसे ही से लिखिएगा, क्या बोले, वो ऐसा ही लैम्डा होता है, ठीक है, ये दूसरा लैम्डा, वो लैम्डा नहीं है फिजिक्स वाला या कोई और, ठीक है, इसको इस लैम्डा को हम लोग इसी तरह से लिखते हैं। चलिए, तो कंडक्टेंस ड्यू टू ध्यान दीजिएगा, ऑल द कॉन्सेंट्रेशन यहां पर ध्यान दीजिए, कॉन्सेंट्रेशन से अच्छा यहां पर सुनिए, ऑल द आयंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच कंटेन्स वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान दीजिएगा, जैसे देखो अब आपके मन में आ रहा होगा सर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में क्या अंतर है, पहला क्वेश्चन तो आप, मैं लिखवाऊंगा भी यहां पर डिफरेंस कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में। तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी में अंतर क्या है, तो देखो जो कंडक्टिविटी पढ़ रहे थे, आवाज कट रहा है, हेलो आवाज कट रहा है आपका, चलिए अब आपका साउंड जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अभी आवाज जा रही है सभी को, हेलो, चलिए तो कंडक्टिविटी आ रहा है सर, आ रहा है, हाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस बता दूं कि कंडक्टिविटी में फिक्स नहीं था कि कितना मोल प्रेजेंट है, बात समझ में आ रही है, बट मोलर कंडक्टिविटी में फिक्स होगा, बात समझ में आ रही है ना, मोलर कंडक्टिविटी में फिक्स होगा कि इतना ही मोल लेना है, इससे ज्यादा मोल नहीं लेना है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर जो मैं लिख रहा हूं ये कुछ इसमें बोलो, हेलो बोलो, ई क्या लिखे हो, वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फिक्स आता है वो वन मोल, हाँ यहां पर हम लोग फिक्स करेंगे, अभी देखिए ना यहां पर इसी के बारे में तो बात करेंगे, देखो इसमें जो रखेंगे कप्पा इनटू, ध्यान दीजिएगा कप्पा इनटू वॉल्यूम, ठीक है ना, इसमें कप्पा इनटू वॉल्यूम, यहां पर ये क्या है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा इसको जो अपन बोलेंगे बच्चों मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी वॉल्यूम, यहां पर ध्यान से वॉल्यूम को क्या करते हैं बच्चों, मान लेते हैं कि वॉल्यूम क्या हमारे पास फिक्स है, ठीक है ना, V मान लेते हैं जो हमारे पास, लेट वॉल्यूम जो है V है, V बोले तो वॉल्यूम, ठीक है ना, विच कंटेन्स, यहां पर समझिएगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, यहां पर वॉल्यूम को हम लोग क्या मान लेते हैं, वॉल्यूम V, ठीक, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, हाँ यहां पर विच कंटेन्स वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, यहां पर समझिएगा, अरे यहां पर दिक्कत, यहां तक अभी कोई दिक्कत, हाँ अगर मान लो क्वेश्चन में ना, देखो क्वेश्चन कैसे बेवकूफ बनाता है,
उनकी बातें करेंगे। सभी लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो किसी ने हमें मोलारिटी दे दिया, दे रखा है, ठीक है ना, वॉल्यूम नहीं दिया है, बात समझ में आ रही है सभी को? अरे आवाज आ रही है? अरे सर बोलिए ना। हाँ तो ध्यान दीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ क्वेश्चन यही होगा। अब बच्चों जिसको अगर पॉइंट नहीं समझ में आएगा, लास्ट में एक ऐसा पॉइंट लिख दूंगा, बस उसी को याद करना है, उसी से पूरा न्यूमेरिकल बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो किसी ने हमें मोलारिटी दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है ना, वॉल्यूम नहीं दिया है, यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, मोलारिटी दे रखा है, तो बताओ क्या करेंगे हम लोग? तो अब हम लोग क्या करेंगे उस समय? तो यहां पर समझिए, कोई बड़ी चीज नहीं है, तब उस समय मान लेंगे लेट, यहां पर समझिएगा, लेट क्या मान लेंगे कि सॉल्यूशन का जो मोलारिटी दे रखा है। अरे वेरी गुड इवनिंग, आ गए तुम? चलो यहाँ पर सर, शाम में कराने का कोई खास वजह? हाँ, अब थोड़ा सा टॉपिक जल्दी खींचा जाए इसके लिए, ठीक है। यहाँ पर सॉल्यूशन मान लेते हैं, सॉल्यूशन की जो मोलारिटी दिया हुआ है बच्चों, वो एम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एम। एम बोले तो क्या? मोलारिटी, ठीक है ना। तो अब बताओ मुझे मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अनुष्का तुम बताओ तो, क्या मजाक कर रहे हैं सर आप, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, और बच्चे नहीं है? ओके मैं समझ गया। चलो रे अभिषेक आप बताओ। क्या सर आप भी, हम ही तो पूछ रहे हैं आपको। नहीं 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 नहीं, चलो कोई बताने के लिए लेडी नहीं। मोल पर लीटर सर, मोलारिटी मोल पर लीटर हो जाएगा। हाँ, इन लीटर, ठीक है ना, मोल पर लीटर। ये हो गया हमारे पास। चलिए यहाँ पर बच्चों, अगर देखो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वन मोल फिक्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वन मोल फिक्स कर देते हैं, यानी एन इज इक्वल टू वन, हम लोग क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, यानी ले लेते हैं, ठीक है ना। एन इज इक्वल टू वन मोल लेते हैं, ठीक है ना, आप समझिएगा यहां पर। तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? अरे बोल, अबे वन बाई भी नहीं हो जाएगा? वन बाई भी इतना हो जाएगा। तो भी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? भी इज इक्वल टू क्या, बोला बोला बोला, वन बाई एम लिख सकते हैं। अरे बोलो, चलिए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पेज नंबर वन है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। एक मिनट अभी से आपका नोट्स, तुम लोगों में से दो का नेट नोट्स देख रहा था, उसमें से कप्पा को सीधे कप्पा लिख दिया, भाई कप्पा का सिंबल भी दिया करना। चलिए नेक्स्ट सर। हाँ चलिए, के लिखे थे सर, एम वाला दोबारा से बताइएगा। के नहीं बोला था। अबे सुबह से लेकर शाम तक ये, हाँ रुको 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 रुको, पहले मैं देख लेता हूँ किसका आवाज आता है। हाँ बोलिए बोलिए अंकित, ये दोबारा एम एम वाला दोबारा से बताइएगा। अरे ये मतलब ये कुछ नहीं है, मतलब मान लो डिस्कनेक्ट हो गया था। अरे हाँ, तो डिस्कनेक्ट हुआ है, तो देख यहाँ पर मान लो कि अगर वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, मोलारिटी दे रखा है, मोलारिटी दे रखा है, तो वॉल्यूम यहाँ से निकाल लेंगे इस तरह से, बात समझ में आ रही है ना, इसी के बारे में बता रहा हूँ, ठीक। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आ रहे हैं बच्चों। हम लोगों ने समझ गया कि जो वी एम एल है, ठीक है ना, समझिएगा वन बाई एम, इसको आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अब बताइए बच्चों, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं वन सेंटीमीटर, सॉरी वी सेंटीमीटर क्यू की बात करता हूं, तो बताओ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं वी लीटर इनटू क्या चीज, वन बाई एम, वी लीटर इनटू वन बाई एम। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, जिससे कि आप लोगों का कंफ्यूजन ना हो, वन बाई एम इंटू वन थाउजेंड लिख सकता हूं। अरे बोलो, हाँ कोई दिक्कत? तो बस बस बस, अरे देखो आप अब ऐसे ना, जिसको अभी तक टॉपिक नहीं समझ में आए, उसको सिर्फ दो ही चीज याद रखना है, दो से ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है। क्या चीज? एक तो आपको ये लैम्डा
मतलब मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन एम। ये हमारा मेन फॉर्मूला आ गया, इसी से मेन क्वेश्चंस बनेंगे। बच्चों जिनका अगर कोई डाउट है, किसी का क्लियर नहीं हुआ है पीछे, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इसको ध्यान रखना है। अब बताओ के की वैल्यू क्या था, इससे पहले मैंने बताया था कप्पा इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखाया था बोलो? 1/ρ कंडक्टेंस इनटू सेल, कंडक्टेंस इनटू बैटरी कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, ठीक है ना। और एक इसको याद रखिएगा, इसके बाद आपका कोई न्यूमेरिकल छूटने वाला नहीं है। बच्चों मोलर कंडक्टिविटी में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बस ये दो चीज को मैं बार बार बता रहा हूँ, ये दो चीज को याद रखो, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन एम, ठीक है ना। अब यहाँ पर के क्या हमारे पास कंडक्टेंस इंटू सेल कॉन्स्टेंट, बस इसी न्यूमेरिकल में आपको सेल कॉन्स्टेंट, इसी न्यूमेरिकल में आप लोग को फंसाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको होना चाहिए क्लियर, ठीक है, बात समझ में आई। चलिए इसके बाद हम लोग, ये हमारा दो नंबर पेज हो गया, इसको भी स्क्रीनशॉट लो। एक मिनट सर, एक मिनट सर, नहीं दो मिनट ले लो, एक मिनट क्या लो रहा है। हो गया सर, आज का वीडियो अपलोड नहीं हुआ था। हाँ उससे पहले, फर्स्ट नंबर पेज से पहले नहीं ना कुछ पढ़ाए थे? नहीं, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था कि तुम आओगे, अनुष्का नहीं थी, वो लोग आएगी। चलिए चलो, आप चलिए सर, सुन के अच्छा लगा। अच्छा यहाँ पर देखिएगा, आप देखिए यहाँ पर बात करने चलते हैं बच्चों, एक और टॉपिक होता है जिसका नाम, देखो यहाँ पर अगर किसी कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हो, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या था, मोलर कंडक्टिविटी, क्या था, मोलर कंडक्टिविटी। हाँ यहाँ पर हम लोग एक रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन के बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। अभी जस्ट 5 से 10 मिनट में क्वेश्चन भी करेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। चलिए तो यहाँ पर बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं, एक नाम तो सुना ही होगा, इक्विवेलेंट कांस्टेंट। इक्विवेलेंट का नाम मतलब, नाम सुना हुआ है कि नहीं आपको? फिजिकल केमिस्ट्री वाले सर ने पढ़ाया होगा मे बी, नहीं तो छोड़ दिया होगा तो अलग की बात है। बहुत अच्छे से पढ़ाया था। चलिए बहुत अच्छे से पढ़ाए थे। हाँ बोला रहे, क्या बोला? कौन नहीं पढ़ाए थे? लतिया है, किसका? चलिए यहाँ पर सही में नहीं पढ़ाए थे रे, कौन बोल रहा है कि नहीं पढ़ाए थे? चलो यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर लिखिएगा कंडक्टेंस ड्यू टू all that volume या ऐसे, ये ऐसे लिखना गलत हो जाएगा, तो ऐसे लिख दो। देखिएगा लेक्चर अपडेट किया है क्या? अभी नोटिफिकेशन आया। हाँ अपलोड हो रहा है, अपलोड हो रहा है बे। कंडक्टेंस ड्यू टू अभी दो पता नहीं, अभी बहुत बाकी है, दोनों बाकी है, मैं उसमें नहीं गया, सो गया था। ऑल द आयन, एक अभी हुआ है सर। अच्छा ऑल द आयंस चैनल पे हम लोग नोटिफिकेशन वाला ऑन ही नहीं किया, क्यों? प्रेजेंट इन, मैंने नहीं किया कि आप लोगों ने नहीं किया? वॉल्यूम हमने नहीं किया सर। अबे क्यों नहीं करता, कर लिया कर, देखा कर उसपे कमेंट क्या आता है। विच कंटेन्स, एक ग्राम, ध्यान दीजिएगा, कंटेंस 1 ग्राम ऑफ, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, इक्विवेलेंट का, ग्राम इक्विवेलेंट का डिफिनेशन बताओ तो। ग्राम इक्विवेलेंट, हाँ अब देखो नानी याद आएगा, बताओ। अरे बताओ बाबू, बाबू बोलो, खाना खाया? अरे नाश्ता किया हो कि नहीं तुम लोग? कैसे? बस सर वही कर रहे थे।
कितना अच्छा बोलते हैं, मेरे बाबू ने खाना खाया तो बताओ जल्दी। चलिए अरे जल्दी आते हैं। हाँ सर क्या कुछ पूछे थे क्या? अरे गधा तो सुन क्या सा था, मैं बोला था देखो देखो ये बोलना ये अभिषेक तो भाव अभिषेक तो भावनाओं में बह गया था। रुको रुको आज 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 ये YouTube पे अपलोड होगा ना तो मैं इसका कंटेंट्स में डालूंगा, मेरे बाबू ने खाना खाया। अभिषेक को टैग कर दीजिएगा साथ। पक्का पक्का यही डलाना है, आज आज यही डलाने वाला ही है, ठीक है ना? हाँ चलो ठीक है हो गया तो डाल दीजिएगा सही। हाँ चलिए सर ये जोक आपको अभी के लिए याद है? अरे तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, आप लोग क्वेश्चन बता नहीं रहे थे तो मुझे पता चल गया आप लोग पढ़ नहीं रहे हो इसीलिए जो याद आ गया। ठीक है तुझे बड़ा डीपली नॉलेज ले रहा है। ग्राम इक्विवेलेंट कहां बताई थी? अरे मार्केटिंग करेंगे नॉर्मलिटी में बताए नॉर्मलिटी बताए। अरे गिवन वेट अपॉन क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है। हां वेरी गुड। इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है? वो याद नहीं था, अभी 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 लगता है कैसे देख के बोल रहा है। सुनो पहले नहीं सर यहाँ पर अच्छा ठीक देखो ग्राम इक्विवेलेंट का होता है क्या चीज? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। और ग्राम इक्विवेलेंट का होता है क्या चीज? यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट वेट का क्या होता है? गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट ठीक है ना, यही होता है। चलिए इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने नॉर्मलिटी में अच्छे से पढ़ा दिया था। एन फैक्टर वगैरह निकालने आता है ना, यहाँ पर एन फैक्टर से भी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है सर। यहाँ पर बच्चों ये आप जो आपने लिखा है यहाँ पर कंडक्टेंस भी होता है ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं जिसको अगर क्लियरिटी ना हो। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इक्विवेलेंट यहाँ पर मैं बताऊंगा कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी डिफिनेशन लिखवा देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो फिर तुम लोग क्वेश्चन करोगे क्योंकि इन दोनों में हम लोग रिलेशन करेंगे और रिलेशन से ही क्वेश्चन आता है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस टेंस ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और इसको हम लोग डिनोट करेंगे बच्चों इस तरह से, ध्यान से समझिएगा ई क्यू से ठीक है ना। यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों नहीं तो फिर दिक्कत होगा। यहां पर इक्विवेलेंट को हम लोग लिख सकते हैं इट इज द कंडक्टिविटी पावर, देखो यहां पर इट इज द कंडक्टिविटी It is the conductivity power of all the ions produced by dissolving dissociation of electrolytes. Yes, very good. By dissolving dissociation of 1 gram, देखो यहाँ पर 1 gram इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हाँ इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। हाँ इक्विवेलेंट ऑफ क्या इलेक्ट्रोलाइट कहाँ पर? इलेक्ट्रोलाइट में। वाह क्या बात है शिवम, शिवम ने धमाका किया। चलो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, बोलो 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 कुछ बोलो सर। ये तो कोई बोल रहे इतना बता। अच्छा 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 अभी बताओ तो मुझे मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, जल्दी बताओ जल्दी। लैम्डा बस 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 तू रहो
ये देखो कोई भी बता देगा कहने के लिए कितना, कोई भी बता देगा। चलो हो गया अब K/M ये हजार कौन बोलेगा भाई, K/1000/M। हाँ ये है ये देखो, हाँ देखो भूल जाते हो इसीलिए छोटी छोटी चीज बैंड बजा देता है। चलो मुझे यूनिट बता सकते हो कोई, बताओ तो। यस सर बताओ। मोलर कंडक्टिविटी ऊपर तो ये हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स ऑफ सर मोल पर लीटर, नहीं 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 हाँ इनवर्स ऑफ मोल पर लीटर। हाँ हाँ बोलो 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 सही जा रहा है। और ए सेंटीमीटर का स्क्वायर, पूरे को जब ऐड करोगे अब मोल का इनवर्स हो जाएगा। ये आपके पास इसका हो गया मोलर कंडक्टिविटी का, ठीक है ना। चलिए तो हम आगे की तरफ बढ़े, पेज नंबर कितना है बच्चों, दो तीसरा दो, तीसरा एक मिनट तीसरा है। चलिए चलिए जल्दी बढ़िया, चलिए वेरी गुड, हाँ सुन के अच्छा लगा। हाँ यहाँ पर गजब, गजब का तुम्हारा डायलॉग कहां से आया यार, ये मुझे डिफाइन करके बताना, ठीक है। चलिए अगर मैं देखो शिवम यहीं पर तुम्हीं से क्वेश्चन दाग दूंगा, देखो ये मोलर मतलब ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है हमारे पास, इसको हम लोग इससे डिनोट कर सकते हैं। और जब इससे डिनोट करेंगे तो बताओ के इंटू वी लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये क्या है, हाँ के इंटू वी सर। वी कैसे आ गया, वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ही है ना, अभी तो वॉल्यूम है, अबे वॉल्यूम है भाई, ये भी ही है, वॉल्यूम ही है, तो हम लोग भी तो वही बोलेंगे। ओ अभी बताओ ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। हाँ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, हाँ कप्पा को तो जानते ही हो। अब देखो यहाँ पर चीजें जो, अरे चीजें जो प्रॉब्लम करेंगी वॉल्यूम के बारे में, तो वॉल्यूम कितने कितना के बारे में बताया है, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख देता हूँ, वॉल्यूम विच कंटेंस वन ग्राम ध्यान दीजिएगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब एक बात बताओ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये तो पाई लिख दिया, हाँ ये कभी कभी ना मैं ऐसे लिख देता हूं। चलो अब बताओ इसको थोड़ा सा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं के इंटू 1000, जिस तरह से अगर मान लो वॉल्यूम नहीं दिया रहता, 1000/N, सोचो तो किसी ने सोचा है कभी ऐसा कि ऐसा हो सकता है कि नहीं, 1000/M n फॉर नालायक, n फॉर नॉर्मलिटी क्या, यस ये सुनो अगर जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो गया नहीं तब मैं यहां से बता देता हूं, ठीक है ना। ये सुनो सभी लोग, नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट वेट अपॉन क्या चीज, वॉल्यूम इन लीटर हो गया, ग्राम मोल पर लीटर। हाँ अगर लेट मान लो यहाँ पर लेट क्या होता ही है, नंबर ऑफ ग्राम, पिछला वाला ही है एकदम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो है हमने एक मान लिया, कितना मान लिया, एक मान लिया, ठीक है ना। हाँ तो बताओ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/V इन लीटर, ठीक है ना, बात समझ में आई। हाँ तो V को क्या लिख सकते हो, V को 1/N वन बाई एन ठीक है ना, तो ये इन लीटर है, ये आप समझ में आया कहाँ से आया 1/N, ये हजार कहाँ से आ गया, तो कहाँ, अच्छा अरे अरे रे रे वो हजार में भी प्रॉब्लम तुम्हें, चलो मुझे लगा समझ गया। ये देखो ये आप लोग इन लीटर में बात कर रहे हो, किसे बात कर रहे हो, लीटर, इन लीटर में, लेकिन हमें यहाँ पर लीटर में नहीं, मैं इसको किस में बात करने जा रहा हूँ, इधर, ठीक है ना। भी वॉल्यूम, अरे ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, इजिकल टू लिख सकते हो क्या जी, हाँ, लिख सकते हैं 1000/1/N, ठीक है ना, अब समझ में आया। हाँ अब इसी वैल्यू, हाँ इसी वैल्यू को ध्यान से देखिएगा, हमने पुट कर दिया कहां पर,
इसमें तो ये आ गया तो ये हाँ चलिए तो अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ बच्चों यूनिट की किसकी बात कर लेता हूँ यूनिट यूनिट कथी लिखाया हुआ है यूनिट यूनिट ठीक है ना तो बताओ मेरे पास क्या हो जाएगा यूनिट बताओ कप्पा का तो वही होगा अरे कप्पा का तो वही होगा ना एस अपॉन कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ठीक है ना अपॉन कितना वॉल्यूम को किसमें लिए है सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो इसको आगे थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लोगे कि मैं कर दूं कर क्या उम्मीद करूं हाँ ये हो गया ठीक है ना बच्चों तो ये हाँ ये चलो ये हो गया हमारे पास ठीक है चलिए नोट कीजिए जल्दी जल तो आप सर इधर से लिखते हैं दाएं आते हैं फिर घूम के बाएं जाते हैं फिर ऊपर चले जाते हैं क्या करें अब थोड़ा सा समझाने के चक्कर में ऐसा हो जाता है चलिए अब क्या करोगे सर आप पता है राइट से लिखना शुरू किया है अपर राइट से लिखना शुरू किया फिर नीचे आया है फिर लेफ्ट की तरफ गया फिर अपर लेफ्ट की तरफ कोई दिक्कत नहीं है समझ गए ना तो आप नोट्स अच्छे से बनाइएगा समझ गए ये अब क्या नहीं स्क्रीन है अभी स्क्रीन पे क्या कर सकते हो अरे लिख लिए चलिए अगला क्वेश्चन ये वो क्वेश्चन देता हूँ थोड़ा सा देखता हूँ कि कौन बना रहा है लाल देखो क्वेश्चन बोला है 40.01 नॉर्मेलिटी ऑफ ये दिया हुआ है सॉल्यूशन रेसिस्टेंस दिया हुआ है आपके पास 200 ओम ठीक है एट 25 डिग्री सेल्सियस अगर इफ सेल कांस्टेंट इज तो आपको कैलकुलेट करना है अरे क्या लिखा जा रहा है कैलकुलेट मोलर इक्विवेलेंट चलो सोचो तो जल्दी आपके पास समय है बस 5 सेकंड बहुत टाइम दे दिए सर चलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बना लिया होगा चलिए तो बताइए फार्मूला क्या होता है रे शिवम बताओ तुम सर 500 क्या बोले हाँ सही है यहाँ पर देखिए मोलर इक्विवेलेंट का मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का कितना होगा मतलब फार्मूला मैंने बताया था ना के इनटू 1000 अपॉन एन हाँ चलिए तो आप हालांकि आप लोगों ने एक बात कप्पा की वैल्यू निकाल सकते हो मैंने बोला था दो ही फार्मूला याद रखो उसे पूरा क्वेश्चन बन जाएगा तो बताओ कप्पा इज इक्वल टू क्या बोला था मैंने कंडक्टेंस इनटू सेल कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट ठीक है ना अब यहाँ पर 1/r की वैल्यू तो पता है 1/r इनटू देखो यहाँ पर ये जो सेल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 1 ले लेते हैं ठीक है ना तो 1/200 हाँ वो दिया ही रहेगा 1 k की वैल्यू आ गया ठीक है ना आप देखो इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हो 1/200 इनटू हजार बाई एन एन की वैल्यू कितना 0.01 हाँ तो देखो ये जब हटा दोगे तो कट जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो तो फाइनली आंसर आपका क्या आ जाएगा 500 बच्चों इसमें 500 क्वेश्चन तो आ जाएगा यूनिट का थोड़ा ध्यान रखिएगा तो यूनिट हो जाएगा एस और ए इक्विवेलेंट का इनवर्स ठीक है ना ये यूनिट है 500 आंसर आया है चलिए हो गया आप लोग का एक मिनट से एक नंबर मार्क कर दीजिए 5 नंबर होगा ना हाँ वाह 9 लोग हैं आगे बढ़े एक और क्वेश्चन दिया
क्वेश्चन अभी रिलेशन पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद क्वेश्चन कीजिएगा। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बच्चों रिलेशन पढ़ लेते हैं। रिलेशन बिटवीन, क्वेश्चन आता है यहां से, बिटवीन एम एंड क्या चीज, हाँ अब बच्चों, अरे 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 सुनो सुनो सुनो, अब दोनों का रिलेशन निकालना है। दोनों का रिलेशन निकालने के लिए मेरे एक रुझा जाओ, मेरा कैमरा कहाँ गया, अरे मैं फोटो आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है, आ रहा है बे, कौन बोला नहीं आ रहा। चलो यहाँ पर ध्यान दो, हाँ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों सभी लोग, मैं इसको लिख सकता हूँ एम अपॉन कितना ई, बताओ एम की वैल्यू कितना आया था, क्या हटाई, स्क्रीन हटाई ना, के टू 1000 बाय एम, किसका स्क्रीन हटाइए रे, अरे सर बीच में सबका स्क्रीन आ रहा है, ये हटाइए ना, ये हाँ स्क्रीन आ रहा है बे, चलो पता नहीं मुझे क्या बोल रहा है, अरे इसे चक्कर में जाएगा, 1000 बाय एन एम 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 फॉर मंकी, हाँ इसको हटाओ, प्रतिभा जी आप आगे, चलो नेक्स्ट एक हजार बाई एन, ठीक है ना, तो ये तो आप लोगों को दिख रहा होगा कुछ कट जाएगा, हजार से हजार, के से के कट जाएगा, हाँ तो बताओ एन बाई एन बच जाएगा, एन बाई एन हो जाएगा, अबे एन बाई एन ना, हाँ ये हो गया। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिए अब समय भी कम बचा हुआ है, तो ये पाई एम, अरे पहले पढ़ो, नहीं 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 फिर से ज्वाइन करोगे क्या, नो नहीं सर, अच्छा ठीक ठीक बस बस अभी एक इतना ही पढ़ लो, इतना ही पढ़ लो, कल फिर कल पढ़ना, ज्यादा नहीं, देखो आप लोग आ गए वही बहुत बड़ी बात है, नहीं तो ऐसे ऐसे बच्चे आ जाए क्या बताए, चलो यहाँ पर आ जाए, भाग गया सर, नंबर ऑफ, अरे देखो यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लिख सकते हैं नॉर्मलिटी को, अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम लीटर, हाँ इन लीटर, अपॉन क्या चीज, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, वाह मोल पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है ना, हाँ तो ये फिर कुछ कटेगा, देखो तो कटेगा कि नहीं, हाँ हाँ तो कट जाएगा, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, तो ये मोल अपॉन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय नंबर ऑफ मोल्स, अच्छा अच्छा वेरी गुड वेरी गुड, हम क्या करते हैं ना, ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन क्या, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, अभी और तोड़ेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा, अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को तोड़ोगे अपॉन, तो क्या आएगा गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, हाँ गिवन वेट अपॉन, या ऐसे थोड़ा सा अच्छे से लिख दो, नहीं आ रहा है, इक्विवेलेंट मास, गिवन वेट अपॉन कितना, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट अपॉन गिवन अपॉन कितना, मोलर, मोलर मास, फिर कुछ कटेगा, देखो तो अब फिर कुछ कटेगा, गिवन मास कर, गिवन मास कट जाएगा, गिवन मास कट जाएगा, गिवन मास कटेगा, ठीक है, मास बाय मोलर मास बच जाएगा, हाँ तो चलिए फिर हम लोग लिख सकते हैं क्या बच जाएगा बच्चों, मोलर मास बाय इक्विवेलेंट मास बाय मोलर मास, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर लिख सकता, इसमें तो हाँ, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ आराम से, मोलर मास बाय क्या, मास बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट या मास, केमिस्ट्री में इक्विवेलेंट वेट और मास दोनों सेम होता है, अब आ जाओ, किन्ने चला गया, हाँ आप रुक जाओ, अभी अभी और तोड़ना है, अभी समझो अब क्या तोड़ सकते हो, सोचो तो कुछ टूटने वाला दिख रहा है यहाँ पर, मोलर मास को तोड़ देते हैं, मोलर मास और इक्विवेलेंट मास तोड़ेंगे, मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट को तोड़ो तो
बोलो बोलो बोलो। हाँ ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास अपन अट्रैक्टेड में मॉलिक्यूलर मास को थोड़ी में तोड़ पाएंगे। अरे अरे सुनो, इक्विवेलेंट को तोड़ोगे तो क्या बना देगा? मॉलिक्यूलर मास अपन अट्रैक्टेड। हाँ, मोलर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन अट्रैक्टेड। हाँ बस ये कट जाएगा। हाँ बस यही आंसर फैक्टर ही आएगा। हाँ तो फाइनली यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? सीधे x लिख सकते हैं, यानी हमारे पास इतना अपॉन इतना इज इक्वल टू क्या आया? अरे ये हमारा क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, n फैक्टर, ये हमारा n फैक्टर आ गया, n फैक्टर, यानी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं n फैक्टर। ये बात समझ में आई? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? ये हो गया हमारे पास इतना रिलेशन। लेकिन हमें यहाँ पर देखो, एक मिनट बचा हुआ है, जल्दी पॉइंट समझने की कोशिश कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर n फैक्टर आ गया, ठीक है ना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो इक्विवेलेंट मास बराबर कितना लिख सकते हैं? इक्विवेलेंट मास, अच्छा रुक जाए, नहीं नहीं इक्विवेलेंट, मैं आप लोगों को एन फैक्टर बता रहा था। तो हो गया ना बच्चों, बस इसी को याद रखिएगा, कल मैं